और इन सब से इतर बड़ा सवाल यह है कि सातवें चरण की बहाली को लेकर जब बीटेड मैं आऊंगा आपके पास विकास, दोबारा आऊंगा मेरे साथ, मैं आऊंगा एक बार फिर से आऊंगा, पूरा एक घंटे का शो ये पूरा। लेकिन मैं इसके पहले नितेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिक्षक अभ्यर्थी इस वक्त है जो इस पूरे मूवमेंट को एक तरह से कहा जाए कि इन अभ्यर्थियों की आवाज बने हैं। आप सभी के पास बारी बारी से मैं आऊंगा। नितेश, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, ये बताइए इस वक्त जो आप लोगों की मांग है, इतने लंबे संघर्ष के बाद 3 साल से ऊपर का इस वक्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक सुनवाई क्यों नहीं हुई? सरकारें तो बदल गई, जिनके कंधों पर पहले जिम्मेदारी थी वो अब दूसरे खेमे पहुंच गए, जो पहले दूसरे खेमे में थे वो पहले खेमे में पहुंच गए हैं, सबने कमिटमेंट वादे अपने अपने बारे में किए थे, लेकिन इसके बावजूद आखिर ये व्यवस्था सुधरी क्यों नहीं, या फिर आप लोगों की मांगे क्यों नहीं पूरी हुई, किसको जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार है। अगर मेरे से पूछा जाए तो पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो पक्ष है ये कभी विपक्ष था और जो ये विपक्ष में है वो कभी पक्ष में थे, तो जिम्मेदार तो दोनों है। जब ये पक्ष में विपक्ष में थे, राजद के जो भी हमारे मंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री जी हो, ये लोग जब विपक्ष में थे उस समय तो हमारे पंडाल में आकर बैठते थे, हमारे साथ जिंदाबाद के नारे लगाते थे और बोलते थे कि आपकी मांगे उचित है। जैसे ही मेरी सरकार बनती है, चंद दिन कहे तो 5-10 दिन का हवाला दिया जाता था जी, ये आपकी बहाली हो जाएगी, आपका नियोजन करवा दिया जाएगा। फिर आपको क्या हो गया, जैसे ही आप पक्ष में आए 100 दिन हो चुका, आपका कहां है? तो जिम्मेदार तो हम दोनों को मान रहे हैं, और विपक्ष में जो गए हैं वो भी कभी पक्ष में थे। हालांकि एक चीज मैं कहूंगा, जब जो विपक्ष वाले हैं जो पक्ष में थे, तो एक चीज हुआ था कि हम लोगों ने 22 दिन मात्र आंदोलन किया था, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ दे दिए थे। मई में जब आंदोलन हम लोग कर रहे थे तो 22 दिन आंदोलन किए थे, तो एक प्री शेड्यूल निकला था जिसमें बहाली के पहले होने वाले सारे काम करो का जितना भी काम होता है उसका एक मतलब प्रक्रिया शुरू हो चुका था। लेकिन फिर जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी प्रक्रिया रुक क्यों गई? चितरंजन जी, जवाब है इसका? चितरंजन जी जवाब दीजिए सर, सोशल मीडिया पर और टेलीविजन पर बड़ी संख्या में यूथ इस वक्त जुड़े हैं, मेरा सवाल ले लीजिए, उसके बाद मैं चाहूंगा इस पूरे मामले पर जवाब दीजिए। सबका एक तरफ से यही है कि भाई सातवें चरण की बहाली की जाए, लेकिन सवाल उससे भी बड़ा यह है कि जिससे उम्मीद कर रहे थे इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साधी गई है? अब तो सरकार सर आपकी 3 महीने के आसपास होने जा रही है। संजय जी, हाँ, जो अभी सवाल अभी पांडे जी ने उठाया है सही बात है, जब हम लोग सरकार में नहीं थे, हम खुद इन लोगों के आंदोलन में कई बार शामिल हुए और सोशल मीडिया पर भी जो माध्यम था उसके माध्यम से आवाज उठाते रहे हैं, हमारी पार्टी भी उठाती रही है। अब सवाल है कि 3 महीना हुए हैं सरकार बने हुए और सरकार काफी गंभीर है इस मुद्दे पर, केवल शिक्षक की बहाली पर ही नहीं बल्कि बेरोजगारी के सवाल पर। आज अभी आप दिखा रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे चाय बेचने वाले साथी का, तो आज जो न केवल बिहार में पूरे देश में बेरोजगारी की जो स्थिति बन गई है, कहीं ना कहीं जो अभी केंद्र की वर्तमान सरकार है उसके गलत नीतियों का ही परिणाम है कि आज बेरोजगारी जो है एक बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है इस देश में। नौजवानों के सामने बड़ी समस्या हो गई है, बीटेक और एमटेक करने के बाद भी अच्छे अच्छे मैंने हायर क्वालिफाइड लड़के भी अगर कहीं 4th ग्रेड का बहाली का निकलता है तो लाखों की संख्या में लोग अप्लाई करते हैं कि शायद कहीं कुछ मिल जाए, तो वह स्थिति जो है तो है। अभी 1 करोड़ से ज्यादा रिक्तियां हैं देश में जो केंद्र सरकार के अधीन है, जिसको कि अरे सर राज्य पे आइए ना सर, प्लीज गगन साहब प्लीज नहीं नहीं, केंद्र सरकार के बारे में एक दिन बताइए तो हम पूरा बहस रख लेंगे सर, 1 सेकंड रुक जाइए ना, केंद्र सरकार के बारे में कहिए ना, 2 करोड़ वाला कमिटमेंट मैं पूरे आधा घंटा रख लूंगा सर डिबेट, लेकिन अभी राज्य पर आ जाइए, चूंकि आप लोग अभी रिस्पॉन्सिबल है सरकार में। संजय जी स्थिति को स्पष्ट करने दीजिएगा ना, हम तो अभी 3 महीना से सरकार में है, 3 महीना से सरकार में है, लेकिन यह परिस्थिति क्यों बनी इसको तो बताना पड़ेगा ना।
तो सर आप लोग डायलॉग भी तो वहां नहीं कर रहे ना, आप यहाँ पर सही बात है कि ठीक है आप बताइए, पूरी भूमिका बनाइए सर, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन जो बच्चे वहां पर बैठे हैं प्लीज सर, संजय जी सवाल, चितरंजन जी सुन लीजिए, नहीं बिल्कुल सर, लेकिन मैं चाहूंगा कट टू कट बोलिए, क्योंकि वो बच्चे आपको सुन रहे हैं, आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं सर। सीधा जवाब नहीं, बहुत सीधा जवाब नहीं ना है, हम जो है सो जुमलेबाजी करने वाले नहीं ना है कि ये सो नो कर दें और झूठ और सांच बोल दें। ईमानदारी से महागठबंधन की सरकार लगी हुई है। छठा चरण जो हुआ जी, जो 3 साल से 4 साल तक जो चला छठा चरण, और उसमें जो बाधाएं आई, और आज भी आप देख रहे हैं कि आज भी छठा चरण समाप्त नहीं हुआ, मतलब कि एंड लिस्ट प्रक्रिया चल रही है जी। और आधे सीट भी जो वैकेंसी था उसका आधा सीट भी नहीं भरा। क्यों? आखिर कहीं ना कहीं उसमें कुछ खामियां थी, कई बार कोर्ट में लोग चले गए, तो कहीं ना कहीं कुछ लूप हाउस थे जिसको लेकर दूसरे अभ्यर्थी जिनका इसमें नहीं हुआ चले गए, कोर्ट में चले गए। तो अभी जो महागठबंधन की सरकार है उन सारे अवरोधों को दूर करने में लगी हुई है। कितना समय सरकार लगेगा दूर करने में है? है काफी गंभीर है दूर करने में। नहीं, कोई भी चीज प्रक्रिया के तहत ही होता है। प्रक्रिया कितना समय लगेगा? थोड़ा सा आपकी इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? अरे पांडे जी, आपकी बेचैनी को मैं समझ रहा हूँ, आपकी बेचैनी को मैं समझ रहा हूँ, आप जो आप लोगों का जो मैंने परेशानी है उसको मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन प्रक्रिया कोई भी अगर प्रक्रिया के आप देखिए छठा चरण में क्यों इतना समय लगा, आप उसको तो देखिए। अरे सर इस प्रक्रिया को दूर करिए ना, मैं तो यही कह रहा, देखिए ऐसा तो नहीं कि आप लोग चुन के आए हैं दोबारा पूरे सिस्टम को रिन्यू कर रहे हैं। एक सेकंड सर, गगन साहब, चितरंजन जी, पूरे सिस्टम को तो दुरुस्त कर रहे हैं, ये सिस्टम चलता आ रहा, मुख्यमंत्री आपके वही है, जाहिर से बात है इस चीज को और आगे कंटिन्यू करना है जब कमिटमेंट आप लोगों ने किया था। मैं तो ये भी कह रहा कि अगर आप लोगों को ये भी लग रहा कि 3 महीना 4 महीना 6 महीना लगेगा, तो कम से कम इनसे डायलॉग तो करिए, बातचीत तो करिए, इनको बुलाकर समझाइए तो सही सर। संजय जी डायलॉग क्या करना है, मैं जब सब परिस्थिति को मैं समझ रहा हूँ, उनसे ज्यादा मैं समझ रहा हूँ जो अभ्यर्थी हैं उनको तो है कि हमारी नौकरी मिले। मैं समझ रहा हूँ कि क्या क्या बाधाएं उसमें आ रही है, क्या क्या बाधाएं उसमें है। अभी आपने जो इंटरव्यू लिया, अभी जो साथी चाय बेच रहे थे उनका, उन्होंने क्या कहा कि जो एकेडमिक जो उनका कैरियर है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके कारण वे छंट गए छठे चरण में। यह भी एक समस्या है संजय जी, यह भी एक समस्या है। नहीं, मुझे इस सवाल के जवाब दीजिए सर, इसको दुरुस्त करिए, आप लोग क्यों बैठे, इसीलिए तो बैठे हैं सत्ता में ना सर, लेकिन एक चीज बताइए, आपने कहा कि सिस्टम काम करेगा, सिस्टम के हिसाब से चीजें होती है, बताइए ना मुझे, एक सेकंड रुक जाइए सर, चितरंजन जी ये बताइए, तब तक क्या ये बच्चे चाय बेचें, जितने बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं ये चाय बेचें, खीरा लगा लें, पकौड़े बेचें? मैं तो कह रहा हूँ कि इसके लिए जो सबसे पहल कर रहा है, जो सरकार सबसे पहल कर रही है, जिसने बिहार मॉडल लाकर जो सो केंद्र सरकार को बाध कर दिया कि वो अभी जो है सो आज बेरोजगारी का सवाल उठा रहा है, उनके द्वारा भी आज फर्जी ही क्यों ना सही। तो ये बच्चे किससे मांगे, प्रधानमंत्री जी से जाके नौकरी मांगेंगे, आपसे मांगेंगे? बिहार के युवा किससे नौकरी मांगेंगे सर, प्रधानमंत्री जी से जाके बोले, दिल्ली में जाके बैठे कि हमको नौकरी दीजिए, या बिहार के सरकार से मांगेंगे ना? बिहार केंद्र सरकार के अधीन है या नहीं है? तो आपकी मतलब सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, सब कुछ केंद्र की बनती है फिर? क्यों नहीं, सरकार की राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है फिर? नहीं, आपको संजय की जानकारी आपको नहीं है? अरे महाराज, यही तो दिक्कत है कि सीधे सीधे उठा के आप लोग पत्रकारों पर और जर्नलिस्ट पर एंकर पर चढ़ जाते, क्या जानकारी नहीं है, बताइए ना फिर। अगर आपके नेता या पिछले सरकार में जो लोग थे या बीजेपी के भी नेता कमिटमेंट करते तो कुछ सोचकर तो करते होंगे, वरना एक लाइन तो बोलना चाहिए मन से कि जाइए मोदी जी से मांगिए, जाइए क्या नाम है राहुल गांधी से मांगिए नौकरी। जुमलेबाजी कर दिए, जुमलेबाजी में हम विश्वास नहीं करते हैं। तो सर मुझे यही तो बता दीजिए, ये बच्चे इनको ठोस आश्वासन तो दीजिए, इनसे डायलॉग तो करिए, इनको कहिए कि हम नहीं कर पाएंगे या करेंगे तो इतने दिनों में कर देंगे। अरे बराबर डायलॉग हो रहा है क्या, कब नहीं डायलॉग हो रहा है? ठीक है नितेश पांडे आप पूरा फ्री है जब चाहे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बीच में आपको लगता है दरअसल आरजेडी हो, बीच में जब भी लगे आपको सवाल है तो आप तुरंत पूछ कि चितरंजन गगन जी हमारे गार्जियन है, वरिष्ठ नेता भी है, इनका ही कमिटमेंट था कि दिसंबर में आप लोग का नियोजन हो जाएगा, यहाँ तो बीजेपी नहीं मिल रहा है।
अभी नवंबर है, आप बेचैन क्यों हैं? अभी भी और अगर विलम्ब हो रहा है तो कहीं न कहीं आप लोग इसको पॉलिटिकाइज नहीं कीजिए। पॉलिटिकाइज कीजिएगा तो उससे आपकी परेशानी बढ़ेगी। अरे संजय जायसवाल नहीं, परेशानी क्या बढ़ जाएगी? ये धमकी है क्या? परेशानी क्या बढ़ जाएगी? नौकरी नहीं मिलेगी? एक सेकंड चित्रंजन जी, परेशानी क्या बढ़ जाएगी? नौकरी नहीं मिलेगी क्या? अरे सर, यूथ है, चुनाव में आप लोगों को भी जाना होगा। खुलेआम धमकी हो गई संजय जी, मतलब चुनाव के लिए भाजपा का मुद्दा ही हो सकता है नौकरी बेरोजगारी, चुनाव के लिए भाजपा का मुद्दा हो सकता है राष्ट्रीय चुनाव लड़ना है। तो सरकार में जब आप नहीं थे तब तो आप भी इसको मुद्दा बना रहे थे ना, तो दूसरी पार्टी क्यों ना बनाए? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा आपके पास आऊंगा। राम सागर सिंह साहब, नौकरी के लिए सर मैं बार बार बोलता हूं, और ये अब आपके पार्टी की तरफ से जितने प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ते कहते सर हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहे, सरकार से क्यों नहीं पूछ रहे? लेकिन सरकार 3 महीने की हुई है, आप किसी भी सरकार को 6 महीने का वक्त देते फिर भी हम उनसे सवाल दागते, लेकिन सवाल सर बीजेपी से भी हो जाता है इस पूरे मामले पर। 3.5 साल से ये बच्चे भटक रहे हैं सर, व्यवस्था सुधारने के लिए जो काम आप लोग आज कर रहे हैं, संजय जायसवाल जी जाकर उनसे मिल रहे हैं, आप उनको बुला रहे हैं मिलने के लिए, ये काम पहले क्यों नहीं करवाया आप लोगों ने? देखिए संजय जी, मैं एक बात बड़ा ईमानदारी से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से जी। चित्रंजन जी तो बेचारे हैं, क्या करेंगे? ये महाठग के साथ महाठग बंधन किए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ही हमारे भी मुखिया वही थे और इनके भी वही मुखिया हैं, और नीतीश कुमार महाठग है, वो ठगने के माहिर कलाकार हैं, तो ये भी ठगाएंगे। हमारा जितना दबाव बनता था, रितेश पांडे जी ने एक बात कहा कि हम लोग थोड़ा सा दबाव बना करके, और जब इस बार हमारी सरकार बन रही थी तो मेरी पार्टी के तरफ से नीतीश कुमार जी को यह कहा गया था कि आप शिक्षा विभाग मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे इन लोगों के लिए था कि शिक्षा विभाग में काफी गड़बड़ियां हो गई है जो चयन का तरीका है, क्योंकि मैं मेडिकल से पहले आप डॉक्टरों की भी जो होती थी का चयन MBBS में पढ़ाई के लिए, वो पहले मार्क्स पर होते थे, बाद में वो कंपटीशन के द्वारा होने लगे। इंजीनियरिंग में भी पहले मार्क्स पर होते थे, फिर कंपटीशन से होने गए। जो टीम मैन कह रहे थे वो सही बात कह रहे थे कि हो सकता है किसी कारणवश किसी का मार्क्स कम हो, किसी का पैडी नहीं हो बेचारे का, तो उसको कम मार्क्स आए हो तो कंपटीशन कर देते, तब इसका समाधान निकल सकता था। जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग में कंपटीशन हुआ है वो मार्क्स पर आधारित नहीं रहा है, वैसे ही चयन प्रक्रिया में भी करें। नीतीश कुमार जी जो पंचायत को दे दिए थे शिक्षक चयन का दायित्व, वहीं से शिक्षा गड़बड़ाया है बिहार में। नहीं सर, नहीं, वो तो सही है, सारी चीजें आप बताइए सर, मेरा सवाल उससे नहीं है, ये आप बिल्कुल तर्क दे रहे हैं और आरजेडी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े वो तर्क दे रहे। सवाल मेरा ये नहीं सर, सवाल आप दो लोग, मैंने कहा ना 5 साल की सरकार होती है, 5 साल में अगर हमें ये तर्क देते रह गए तो फिर तो सर बच्चों की उम्र निकल जाएगी। आज चाय बेचने को कोई मजबूर है, कल ठेला लगाने को मजबूर जाएगा, परसों सब्जी बेचेगा। बताइए ये वेल एजुकेटेड होके बच्चे, वेल एजुकेटेड होके सर, सिर्फ हम इतना सुने कि 2 साल 1 साल 1.5 साल 3 साल हमारे लिए लग जाएगा, हम मतलब इंतजार करते रह जाएं? जिस उम्र में ये बच्चे होते हैं, हमारे आपके सबके कॉमन घर के बच्चे होते हैं, पढ़ के नौकरी पाना चाहते हैं, हमारे घर की भी बच्चियां हैं, तो वही तो कह रहा हूँ सर, तो इस दर्द को क्यों नहीं समझा जा रहा है? घर की बच्चियां भी हैं, इस दर्द को क्यों नहीं समझा जा रहा है फिर? अब चित्रंजन गगन जी जो ये कह रहे थे केंद्र सरकार और बिहार सरकार की बात कर रहे थे, तो जनसंख्या नियंत्रण कर करके कहीं कुछ बात आती है तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाने की बात आएगी तो ये हिंदू मुसलमान कर देंगे, हिंदू मुसलमान करके उस बात को डाइल्यूट कर देंगे। तो इसमें कौन सा आ रहा है सर? इसमें तो हिंदू मुसलमान नहीं आ रहा, नहीं तो सबके लिए है। और मुझे हैरानी इस बात की हुई कि अभी 2 महीने पहले देखिए जो बड़े अधिकारी थे, रुतबेदार अधिकारी थे, अरे क्या ही कहा जाए, सिस्टम को डंडे भाज रहे थे, एक अभ्यर्थी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने, नौकरी मांगने पर डंडे मिल जाते हैं, बताइए नौकरी तो मिलती नहीं है। संजय जी जब तक कमीशन नहीं आ जाता है, नीतीश टैक्स नहीं मिल जाता है, तब तक बहाली नहीं होती है। बहाली में देरी का एक बहुत बड़ा, तो क्यों अलायंस के लिए छटपटा रहे थे आप लोग सर? मैं तो यही पूछ रहा कि अगर इतनी कामियां इतनी खामियां थी तो वाकई उसी दौरान आप लोग अलायंस छोड़ दिए होते,
और इस इन युवाओं के कंधे पर कम से कम इतना तो सहारा होता कि कोई पार्टी साथ में खड़ी है, लेकिन जहां पर सत्ता की मलाई मिलती है वहां पर सारे मुद्दे सेकेंडरी हो जाते हैं। मैं सारी पार्टियों को कह रहा, सत्ता में आने के लिए सारे मुद्दे सेकेंडरी हो जाते हैं, विपक्ष में बैठने के बाद सारे बड़े मुद्दे हो जाते हैं। ये इस देश की सच्चाई है और यही कारण है, चाहे देश का कोई कोना उठाकर देख लीजिए, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई भी कोना उठाकर देख लीजिए, आज युवाओं की इतनी बड़ी फौज, सर आप दोनों लोगों से मैं बोल रहा, इतनी बड़ी फौज सड़कों पर घूम रही है जिनके लिए व्यवस्था करना मुश्किल है। वो वेल एजुकेटेड होकर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आज बेचारे सड़कों पर ठेले लगाने के लिए मजबूर है। मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है चित्रंजन जी एक सेकंड सर, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों इस बात को लेकर जवाब दे दे वाकई में कि आपने इतना कमिटमेंट किया था, नौकरी दे दी तो वाकई में ढंग के निचोड़ पर इसी मन से तारीफ करूंगा मैं। हाँ महागठबंधन को आप एक राज्य में नहीं तोड़ सकते हैं, आज यह मुद्दा है जिस पर आप बात करवा रहे हैं, यह महागठबंधन की देन है, यह राष्ट्रीय जनता दल की देन है जिसको आज यह मुद्दा बनाया गया। मुद्रा लोन के द्वारा हमने रोजगार दिया है और नौकरियां जब हमारा 10 लाख लोगों को नौकरी देने का प्रधानमंत्री घोषणा किए और दे रहे हैं लाखों लोगों को नौकरी, तब ये कह रहे हैं कि मेरा देखा देखी, अरे पहले हम नौकरी दे रहे थे, आप मेरा देखा देखी। ये लाइन तो सर बोल रहे थे ना, आप लोग की नौकरी कहां से देंगे अगर तेजस्वी यादव कमिटमेंट कर रहे हैं। ठीक है चित्रंजन जी छोटा जवाब सर, एक बार फिर से मैं जाऊंगा टीम एन के पास। चित्रंजन जी बताइए, अब आप लोग कह रहे कि हमारे देखा देखी कर रहे, ये बड़ा गंभीर आरोप है सवाल की, युवा तो वहीं का वहीं रह गया, कुछ कोशिश आप लोगों ने की है, अच्छी बात है और ये यही सही बात है। इस बात की मैं तारीफ करूंगा कि सरकार के आने के बाद कम से कम इस मामले पर चर्चा तो हो रही, डिबेट तो हो रही है, नहीं इस बात को लेकर चर्चा तो हो रही है, ये इस बात को मानना पड़ेगा, चाहे दूसरी पार्टी हो, चाहे आप लोग हो, चाहे कोई भी हो, ये बिहार के युवा भी इस बात को समझ रहे हैं कि कम से कम उनके मुद्दों को लेकर दबाव तो बन रहा, उसको टटोला तो जा रहा, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो वादे थे या जो उम्मीदें आपसे की गई थी वो अभी उसको लेकर अगर वक्त लगेगा तो कब तक लगेगा, क्योंकि ये इनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है सर, ये सड़कों पर भटक रहे बेचारे। चित्रंजन जी संजय जी राम सागर जी क्या बोले हमको सुनाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अब राम सागर जी को राम सागर बाबू के साथ चुप करवाइए। ठीक है शांत है आप बोल लीजिए। अब संजय जी हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने इस सच्चाई को स्वीकार किया कि आज महागठबंधन सरकार बनने के बाद मीडिया भी इस पर मजबूर हो गई है बहस कराने के लिए और भाजपा की भी नींद खुली है, आज केंद्र सरकार भी रोजगार मेला लगा रहा है, आज संजय जायसवाल जी भी आज शिक्षक अभ्यर्थियों से बुलाकर अपने कार्यालय में मिल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, आप केंद्र सरकार को कहिए सर, रुकिए एक सेकंड, पहली बात तो मीडिया कभी भी मजबूर नहीं थी, मैं बता दूं आपको, तब भी हमने मुद्दे उठाए थे और अब भी उठा रहे हैं, तब इनसे सवाल पूछ रहे थे, आज आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तब इनको परेशानी होती थी, आज आपको परेशानी हो रही होगी तीखे सवालों से, हमें अपनी जिम्मेदारियां सर पता है, हमें जिम्मेदारियां पता है, मीडिया पे सवाल मत उठाइए, मैं इतना कहूंगा कि जिस मुद्दे पर आप लोग आए हैं कमिटमेंट करके उसको पूरा करिए ताकि ये बच्चे इनका भविष्य बनाएंगे तो ये आपका भविष्य बनाएंगे। संजय जी मैं आपको स्पेशली नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज मीडिया में यह चर्चा का विषय है, आज केंद्र सरकार भी रोजगार मेला लगा रही है, आज संजय जायसवाल जी भी शिक्षक अभ्यर्थी को अपने आप बुलाकर बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह आप देखिए 2020 के चुनाव में ही जब हिंदू मुसलमान हो रहा था, हिंदी और उर्दू हो रहा था जी, तो अभी वर्तमान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रोजगार को मुद्दा बनाया था और उनके द्वारा घोषणा किया गया था, वादा किया गया था कि मेरी सरकार बनेगी, 10 लाख मैं नौजवानों को नौकरी और रोजगार दूंगा, और सरकार बनने के बाद में भले ही आज में डिप्टी सीएम है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी इस अभियान में लग चुके हैं और 3 महीना के अंदर 50,000 नौजवानों को नौकरी दी गई है। और शिक्षकों का सवाल है, जब कल भी माननीय डिप्टी सीएम ने कहा कि जब मैं यह कहा कि 10 लाख नौजवानों को मैं नौकरी और रोजगार देने जा रहा हूँ तो उसमें सबसे बड़ी संख्या शिक्षकों की होगी, यह तो अंडरस्टूड है, इसलिए हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में
प्रायोरिटी लिस्ट में है शिक्षकों की बहाली। नहीं, ये सुन सुन के तो उम्मीदें बंधी ना सर, ये सुन के ही उम्मीदें बंधी है, तभी तो मैं कह रहा हूँ डायलॉग नहीं हो रहा था, ये असंतोष बढ़ता जा रहा है। नीतीश जी इसके जवाब छोटा, उसके बाद विकास के पास, विकास जी का बात, नीतीश भाई, नीतीश जी नीतीश पांडे इसका जवाब आ गया सर, पूछ जिनके लिए आप कह रहे हैं उनसे तो ले लीजिए जवाब। ठंड बढ़ गई है, हम लोग से बात क्यों नहीं किया जाता है, हम लोग को एक डेडलाइन क्यों नहीं दिया जाता है, किस चीज का इंतजार है, मतलब कि दो चार अभ्यर्थी आत्महत्या कर रहे हैं, उसका कारण हम संजय जी खुद पांडे जी हमसे कई बार मिले हैं, इनके प्रतिनिधि हमसे मिलते रहे हैं, मेरे ऑफिस का दरवाजा खुला रहता है और मैंने जो भी मैंने इनके प्रतिनिधि आते हैं उनका हम जो है सो तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, जहां तक बात बढ़ी उससे संतुष्ट करने का प्रयास भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, मेहमान नवाजी के भूखे नहीं है सर, प्लीज अगर आप दफ्तर में कहते हैं एक सेकंड रुके, नीतीश भाई एक सेकंड रुके, नीतीश पांडे जी एक सेकंड सर, मेहमान नवाजी मत करिए सर, नहीं मेहमान नवाजी कोई नेता मत करे इनकी, को मेहमान नवाजी कोई नेता मत करे, इनको संतुष्ट मत करे, मुझे एक जवाब दीजिए इन अभ्यर्थियों को, इस वक्त लाखों लोग देख रहे हैं सर, लाखों लोग देख रहे हैं आपके पास, अगर वाकई द्वारा आएंगे तो स्टेट को पूछने के लिए आएंगे कि सर वाकई में स्केड्यूल की डेट क्या है, मुझे ये बताइए, चाय बिस्किट करवा कर उनको दोबारा भेज देंगे, 10 दिन बाद बेचारे आएंगे फिर से सड़कों पर धक्के खाएंगे, फिर कोई नेता पहुंचेगा, फिर ऐसे नहीं होता ना सर। नहीं संजय जी, संजय जी मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये आंदोलन होता है, क्या बात है, इनके अंदर रामसागर बाबू बोलने नहीं देंगे, नहीं मैं बैठा हूँ सबको बोलने दूंगा, रामसागर जी एक सेकंड रुक जाइए, रामसागर जी पांडे जी का भी जवाब है, नीतीश पांडे का, नीतीश पांडे जी छोटा जवाब उसके बाद आप ये सही बात है कि नहीं, ठीक है मैं आप सभी को रोक रहा हूं, दोबारा मैं आपके